ना, तुम्हारा शो हमारे चैनल के लिए हमेशा प्रोडक्टिव रहा है। इतने साल तुमने ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन किया। हमने हमेशा तुम्हें अपना एक एसेट समझा। हमें खुशी है कि हमारे चैनल की वजह से तुम्हारे करियर को उरूज मिला। पर्क्स एंड बेनिफिट्स उसके अलावा हैं। खैरियत है? आप अचानक से मेरी तारीफें कैसे कर रहे हैं? हर चीज का अख्तिताम अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये तुमने अपने एक शो में कहा था। चैनल का ख्याल है कि हमें अपने मॉर्निंग शो में कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है। पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, रेटिंग बहुत नीचे आ रही है। तो चैनल का ख्याल है कि हमें अपने मॉर्निंग शो के लिए एक नए नाम और नए चेहरे की जरूरत है। नया नाम और नया चेहरा मतलब आयला? हम बहुत रिस्पेक्टफुली आपको रुख्सत करना चाहते हैं। तो जो 5-6 प्रोग्राम रह गए हैं इस महीने के, वो तुम करो और उसमें ऑडियंस को अपने एग्जिट के बारे में तैयार कर लेना। उसके बाद चैनल जो डिसाइड करेगा वो इन प्लेस हो जाएगा। फिर चैनल से कहो कि तुम्हारी जगह पे एक नया चेहरा गया है। अभी तक तो मेरे समझ में नहीं आया, अचानक कल तक तो बहुत अच्छा चल रहा था शो, लेकिन हुआ क्या? ये कुछ पता नहीं चला। कुछ तो पता होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है अभी तक तो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आई एम सो सॉरी जिन्नत, मैंने सुना तुम्हारा शो खत्म हो गया। नहीं, मैं छोड़ रही हूँ, मैंने एक और चैनल ज्वाइन किया है, वो लोग डील बेहतर दे रहे हैं। अच्छा, पूरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया अचानक। मैं तो बहुत हैरान हूं। ये कागज पर जितने सवाल हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लो, यही सारे सवाल शो में भी आएंगे। कल के शो में मुझे कोई डिजास्टर नहीं चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल का शो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। पहले चाय पी लो तुम लोग, थके होगे ना, बहुत सारी चीजें याद करनी है और फिर बोलनी भी है। पहले कुछ खा पी लो तुम लोग। अंदलीप, ये रिफ्रेशमेंट्स कहाँ से मंगाए हैं? आपकी फेवरेट जगह से। गुड। अच्छा, ये सारे सवाल अच्छी तरह से रिहर्स करने हैं और इनके जवाब भी। कुछ कंफ्यूजन भी हो तो मुझसे पूछ लेना, अगर कुछ ऐड भी करना हो तो बस पहले से बता देना, क्योंकि फिर ब्रेक्स का मसला हो जाता है। और तबस्सुम, तुमने खूब रोना है शो में। जितना भी गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, सब निकाल दो। वैसे तबस्सुम, तुमने अभी तक हमें खुलकर नहीं बताया कि जन्नत तुम्हारे साथ क्या क्या करती थी, किस तरह से वो तुम्हारे साथ सलूक करती थी, गालियां देती थी, ताने मारती थी, छुट्टियां नहीं देती थी, पैसे काटती थी। ये सारी चीजें अगर तुम ऐड करोगी तो मजा आएगा। और आजकल लोग वैसे भी मेड्स के साथ तो यही सब कुछ करते हैं। बल्कि मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम तबस्सुम के हाथों पर कुछ निशान बना दें,
हम ये शो करें कि जन्नत ने खूब मारा पीटा है और कई दफा। वो आजकल होता है ना, वो गरम स्त्री के निशान और दूसरे निशान। बड़ा प्रोफेशनल गेटअप आर्टिस्ट है हमारे पास, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। क्या ख्याल? नॉट अ बैड आइडिया, रेटिंग्स भी आएंगी। क्यों तबस्सुम? तुम फिक्र ना करो, हम सब करवा लेंगे। ऐसा रियल मेकअप कराएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि असली क्या है और नकली क्या है। वाकई में लगेगा कि जन्नत ने ये सारी चीजें की हैं। चेक से रिलेटेड कोई अपडेट? That's a relief. तो लग रहा था कि पता नहीं अभी और ड्रैग होगा। चैनल्स ये क्या? शो बंद कर दिया मेरा। शो कैसे बंद कर सकते हैं? तुम्हारी इतनी मेजर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, उनका क्या होगा? वो बाहर लटकेंगे। मेरा क्या होगा और मैं क्या करूंगा और रेस्टोरेंट का क्या होगा? सब कुछ बीच में रह जाएगा। ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको शो कैंसिल करना पड़ा? शो में आज जन्नत अली खान ने अपने शो जन्नत जहां में एक सांप को अपनी गर्दन में डालकर एक नई और सनसनीखेज रिवायत कायम कर दी है।
सोशल मीडिया पर शो के 2 घंटों के दौरान उनकी ये फुटेज वायरल हो चुकी है, जिसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने शेयर कर दिया है। हम बहुत रिस्पेक्टफुली आपको उपस्थित करना चाहते हैं। 5-6 प्रोग्राम रह गए हैं इस महीने के, वो तुम करो और उसमें ऑडियंस को अपने एग्जिट के बारे में तैयार करो। हेलो, आलोने टॉप 10 मोस्ट रेटिंग अच्छी नहीं आ रही, अच्छी उसका नाम किया है, हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, नोटिसेस आ रहे हैं। फिर आपके साथ दिल का सिर्फ टीवी शोज में आपके नाम के लिए घर में रहना चाहिए। हेलो, आलोने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल किलर का नाम शामिल किया है सोशल मीडिया पर। फिर आपके साथ दिल लगता है, मुझे आपके साथ रहना है, इस घर में रहना मुझे। मैं जन्नत के बगैर कैसे रह सकती हूँ? आपकी जन्नत के लिए उसका किसी और जन्नत पर दिल ही नहीं लगता। आपने क्या किया है जन्नत जैसे? मुझे जुम्म करती थी, डांटती थी, मुझे मारती थी, मुझे खाना भी नहीं खाने देती, मेरे को बात करके रखती थी, मुझे जुम्म करती थी, डांटती थी, खाना भी नहीं खाने देती, कमरे में बंद करती थी, बस करती थी, मारती थी, डांटती थी, खाना भी खाने देती थी, बस करती थी, मारती थी, डांटती थी, मारती थी, डांटती। आप ही शो में जाना चाहती हूँ। जी जन्नत, अब किस चीज से आपको डिप्रेशन हो रहा है? पता नहीं। यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल मॉर्निंग शो होस्ट ऑफ पाकिस्तान। लाखों लोग अपनी सुबह का आगाज आपके शो से करते हैं, कॉल्स करते हैं, आपके साथ एक तस्वीर खिंचाने को एक बहुत बड़ा एजाज समझते हैं। कितनी नौजवान लड़कियां आपकी तरह ड्रेस करना चाहती हैं। एवरीवन वांट्स टू बी लाइक यू, एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट यू, एवरीवन लव्स यू। जो कुछ आपके पास है वो और किसी के पास नहीं है। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना इर्द गिर्द, इसको महसूस करो। It's okay. Sorry. It's okay. It's okay. Relax. जन्नत,
Janet, look at me. Look at me. It's okay. Relax. You'll be fine. It's okay. Have some water. Thank you. You're okay now? अंदर का कुछ गुबार निकला तो थोड़ा हल्का महसूस कर रही हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं खुशी महसूस करना चाहती हूँ लेकिन क्यों नहीं कर पाती? पता नहीं मुझे क्या हो गया कि हर बार जब तुम सुबह शो स्टार्ट करती हो और हर बार जब वो टॉप रेटेड होता है, इस चीज से खुशी मिलती है तुम्हें? कौन सी चीज है जो तुम्हें खुशी देती थी और अब तुम्हें नहीं मिल रही? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने पूरे 1,00,000 रुपए की कमेटी अपने कमरे पर लगा दी थी, अपनी मर्जी के घर स्कीम्स, फर्नीचर, कर्टन, कारपेट, पेंट। मैंने किसी ड्रामे में देखा था किसी का कमरा, और पूरे 2 साल लगा दिए अपना कमरा सजाते हुए। वैसे नुमान देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। पर तो मैंने पूरे 2 साल इंतजार की ताकि पूरे कमरे की कलर स्कीम को थोड़ा सेट करूं और उसके बाद जाके पैसे जमा हुए हैं और फाइनली ये पर्दे फाइनली आ गए हैं। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि तुमने पूरे 1,00,000 रुपए की कमेटी मुझे दी है शॉपिंग के लिए, और देखो मैंने कमरे की शक्ल बदल दी है। हाँ, लेकिन ये बात किसी से डिस्कस मत करना क्योंकि अगर अम्मी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगी कि तुमने 1,00,000 रुपए इस चीज पे लगा दिए। मैं नहीं बताऊंगी। तुम बहुत अच्छे हो नुमा, बहुत अच्छे। तुम सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो नुमा। ਸਾਹੁਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਮੁਝੇ ਬਤੌਰ ਬੀਵੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮੁਝੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ੌਹਰ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਤੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ। बदला मत, तुम भी कभी मत बदलना। मर्द नहीं बदला करते, औरतें बदल जाती। मैं कभी नहीं बदलूंगी और ना ही तुम्हें बदलने दूंगी। Thank you.
जन्नत, जन्नत, आई 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 अच्छा एक सेकेंड आज महीने की पहली तारीख और ये मेरे पूरे मंथ की सैलरी खोल के देखा ये तो बहुत सारे पैसे हैं महीने के आखिर में पूछूंगा इनमें से एक भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास हाँ लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को नई सैलरी आ जाएगी और बोनस भी तो होगा साथ में बड़ा पता है आप हाँ जाहिर सी बात है बीवी हूँ तुम्हारी अच्छी वाली तो ये सारे पैसे मेरे एक नई ब्रांड आई है लॉन की टीवी पे दिखा रहे थे सेल भी लगी थी उसकी तो मैं एक जोड़ा ले लूँ उनका आपका जो दिल चाहे आप ले लें बस मुझे खाना देने बहुत सारी भूख लगी है अच्छा मैं लेके आती हूँ ये पकड़ लो लेकिन ये चेहरे पे क्या लगा हुआ है कहाँ ये कहाँ ये यहाँ भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है अच्छा ये किन्नू तो ले लो हम बुरा ना मान ले ये दुपट्टा साफ कर लो इससे हो जाएगा धुल जाएगा यहाँ भी कुछ हुआ हाँ बेहतर है अब सीधा कमरे में जाना वो दोनों अच्छा ठीक है जल्दी आना मैं खाना बना ठीक है ठीक है हमेशा यहीं पे आके रुकती हो क्या करूं यहां से हिला नहीं जाता ले लो 1800 की है पर बात नहीं लेकिन महीना खत्म होने में 10 दिन रहते हैं ये भी नहीं अरे गुजर जाएंगे ला दो तो फिर मैं ये वाली लिपस्टिक भी ले लूं शेड अच्छा है लगता है ऑफिस से एडवांस लेना पड़ेगा अपनी वाजिबात की अदायगी के लिए कोई बात नहीं ले लेना नहीं बस सच्ची ले लूं ले लूं बस करो ये तुम्हारी चौथी प्लेट है इतना खट्टा खाओगी गला खराब हो जाएगा तो मतलब मेरे सबसे फेवरेट गोलगप्पे इसी जगह इसी रेड़े के ही हैं भाई फिर पांचवी प्लेट ही बना दें ये तो एक और प्लेट खाएंगी वहां क्या कर रहे हो
अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। इस वक्त देर नहीं होगी सैलरी में? हाँ वो बॉस मुल्क से बाहर गया हुआ था तो साइनिंग में फंसे हुए थे। बड़े ज्यादा लग रहे हैं। हाँ वो इस दफा बोनस ही मिला ना इसलिए। सच्ची में? हाँ इसमें से 7,000 आप रखे और 3,000 मुझे मेरे खर्चे के थे। सच्ची? तो फिर मैं एक नया जोड़ा ले लूं? हाँ बिल्कुल ले सकते। 7,000 में तो 2 जोड़े आ जाएंगे मेरे। ये आपके पैसे। ये क्यों? तुम 2 जोड़ों के बजाय 3 जोड़े लेना। नहीं 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 आप रखो इसको, 7,000 काफी है मेरे लिए। ये मेरी तरफ से। सच्ची? अच्छा फिर मैं 3 जोड़े नहीं लूंगी, मैं 2 ही जोड़े लूंगी, लेकिन फिर साथ में मैं एक जूती ले लूंगी और आपके लिए एक शर्ट भी ले आऊंगी। वो नौरीन की शादी भी आ रही है ना तो इंतजाम हो जाएगा पूरा। थैंक यू। ठीक है। ये क्या है? देंगे तुम्हें ये ऐसी मोहब्बत जो तुम कहीं ना पाओगे। ये आपके लिए था। एक दिन तुम्हें हम जी भर के देखें, वो दिन कभी तो लाओगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस से छुट्टी कर लूँ। सुनो ठीक लग रहा है? बहुत है। शाम को मिलती है। अच्छा मैं अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जन्नत बेटा जरा नाश्ता ले आओ। लाई अम्मी। क्यों अम्मी? ओ अम्मा ये बिजली और गैस के बिल के पैसे मैं यहाँ रख रही हूँ ठीक है? अच्छा अच्छा दूध वाले के भी रख दो, वो भी इस दफा जल्दी मांग रहा है। अम्मा आपको पता है इस दफा 10,000 का बोनस लगे नुमान का। मुझे भी बताया उसने। मैंने सारा बोनस रख लिया है उसका। मैं सोच रही हूँ कि मैं नए कपड़े बनवाऊंगी इस बार। मुझे भी दिए पैसे कि आप भी अपने कपड़े बना लीजिएगा। अरे तो बहुत अच्छी बात है, फिर ऐसा करेंगे कि इकट्ठे चलेंगे हम। लेकिन अम्मा मुझे लगता है कि सारा महीने खाली जेब लेके फिरेगा नुमान। तुम अपना नाश्ता भी लेके आ जाओ ना यहीं। हाँ मैं बस वो लेके आ रही हूँ। फोन देखना मैं जरा लियान को संभाल। हेलो जी कौन बात कर रहे? जी 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 मैं बात कर रही हूँ जी। क्या क्यों मुझे ऑडिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया? अच्छा ठीक हाँ जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चले बहुत शुक्रिया ठीक है ओके जी। मैंने कहा था ना देखना मुझे एक दफा ऑडिशन की कॉल आ जाए फिर देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे ऑडिशन की कॉल आई, मुझे सिलेक्ट कर लिया उन लोगों ने। अच्छा वो एक कुकिंग शो के होस्ट ढूंढ रहे हैं और मैंने अप्लाई किया था उसके लिए, अभी उसी की कॉल आई उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। खाना बनाने में तो तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, वहाँ क्या करोगी? हाँ लेकिन वो तो कंपटीशन है ना नुमान, और पता है कि वो पूरे 20,000 रुपए दे रहे हैं एक शो के। कहीं दे ही ना दे, और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें फाइनल में ना सिलेक्ट किया उन्होंने तो फिर? क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे वो मुझे? मतलब मैं ऑडिशन इतना अच्छा दूंगी कि उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे।
और वैसे भी अगर पैसे दे ना दे क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे। लेकिन अगर नहीं भी देते, सोचो मैं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाऊंगी, है ना? हम मशहूर हो जाएगी पाकिस्तान में, हम फेमस हो जाएगी। इधर आ जाओ बाबा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओए ओए ओए, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ओए ओए ओए, ए यो 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 यो, ओए 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 ओए, आए हे मामा फेमस हो जाएगी, फिर यान जी फेमस हो जाएगा, यान यान अच्छे अच्छे स्कूल में जाएगा, है अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा यान, है ना? आई आई बाबा की जान। अरे पाला पाला बच्चा, ये परेशानी की बात नहीं है, ये बस ज्यादा ज्यादा दो घंटे लगेंगे। ये लो मैंने दूध बना लिया, इसको रखो। अच्छा इधर आओ मेरे पास, मैं दुआएं तो पढ़ दूंगी। बिस्मिल्लाह करके ऑडिशन देना। अम्मा भी से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, मुझे यकीन है इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए अच्छा अलियान का ख्याल रखना, हम निकलते हैं। अम्मा हम निकलते हैं। बीबी जी आप बेफिक्र हैं, अलियान मेरे पास बहुत खुश रहता है। बीबी जी ऑडिशन में कामयाबी होगी तो आप मुझे अपने शो में लाजमी बुलाइएगा। बुलाऊंगी बुलाऊंगी। चलो अच्छा खुदा हाफिज़।